हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल। तो गाइस, आज को हम जो आपने देखा था कि हमने पटाखे के बॉक्स को इस तरीके से ये बना लिया था, और अब इसका लॉकिंग सिस्टम इसका क्या है ये, और इसको डेकोरेशन करना था आज को, वो करना है। तो फिर ये वो भी करते हैं। तो फिर उसके लिए मैंने मैग्नेट और एक लोहा लिया है, जैसे कि वो एक बॉक्स आते हैं पुराने वाले, मेड इन चाइना वाले, जो उनमें इस तरीके से हाफ हाफ लगा रहते हैं, इतना इतना कोने में, जिनमें सांप नर्स भी अटैच होते हैं, वो बॉक्स वो मेरे पास पड़ा हुआ था। वो बहुत पुराना हो गया था, मेरे बेंच में रखे 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 बहुत पुराना हो गया था, सालों पुराना। तो फिर मैंने उसका ये निकाल लिया। तो फिर ये साइड साइड में इसके ये एक लोहा की स्ट्रिप लगी रहती है, लोहों की। इसके अंदर क्या होता है अभी मैं दिखाता हूँ। तो गाइस, मैंने ये ऊपर का ये आसानी से निकल गया, तो मैंने निकाले। इसके अंदर ये एक ब्लैक कलर का मैग्नेट होता है, जो इन दोनों लोहों को टेंशन देता है मैग्नेटिक पावर की। तो फिर अब इसी मैग्नेट को इसमें पूरी तरीके से अटैच करके हम इस जगह पर लगाएंगे, और इसका ये जो लोहा है जो बॉक्स के इस जगह पर लगा रहता था, वो हम यहाँ पर अंदर इस जगह पर सेंटर में लगाएंगे, ताकि जब ये इधर लगा रहा है, ये इधर लगा रहा है, और जब हम ऐसे ये बंद करें, तो जाकर यहीं पर ये जो ये वाला कोना है वो यहाँ पर टच हो, और वहाँ से ये लोहा और मैग्नेट अटैच हो जाए। तो फिर मैं पहले इसे वापस अटैच कर देता हूँ। तो फिर गाइस, ये भी करते हैं। सो गाइस, अब मैंने इसे अब जोड़ दिया वापस। अब करना क्या है, जैसे कि ये है, ये जब इसके पास ला रहा हूँ तो इससे चिपक गया, अब इसे आसानी से छूट नहीं रहा। तो फिर यही मैं ये वाला हिस्सा एक कॉर्नर पर अटैच कर दूँगा, और ये वाला हिस्सा मैं इस जगह पर अटैच कर दूँगा, जिससे ये उसे खींच ले, और इसे हम ग्लू से और टेप से अटैच करते हैं। आप चाहे तो फेविकिप से भी कर सकते हैं, लेकिन मैं इन्हीं से कर रहा हूँ। तो फिर लेट्स डू डैट। सो गाइस, मैंने यहाँ पर ग्लू लगा के, इसे टेप लगा के इस तरीके से कुछ चिपकाया है। अब इसे थोड़ा अच्छे से चिपक जाइए, ताकि तो फिर थोड़ी देर के बाद मिलते हैं। सो गाइस, थोड़ी देर के बाद मिलेंगे। सो गाइस, अब ये कुछ देर बाद हो गया, अब ये सूख चुका है। अब नेक्स्ट स्टेप ये है कि इसी के ऊपर यहाँ से मैं अलाइनमेंट लेकर यहाँ पर ये अटैच होगा। तो फिर मैं इसे यहाँ पर करूँगा क्या, जैसे कि इन दोनों के बीच में गैप है, तो यहाँ पर टेप फंसाऊँगा गाइस, कुछ इस तरह, जैसे कि इन दोनों के बीच में गैप था, तो ये मैंने टेप फंसाया है। एक साइड को चिपकाना है, एक साइड को नहीं है। तो फिर करना ये है कि अब इसे लेकर यहाँ पर, जैसे कि इस साइड को चिपकाना है, तो फिर इसे यहाँ पर लेकर चिपका देंगे तो ये चिपक जाएगा। तो ये भी करते हैं। तो फिर कुछ इस तरीके से, जैसे ये था, तो फिर मैंने इसे इस तरीके से वो बीच में से फंसा के लगा दिया है। अब यहाँ पर आप थोड़ा सा अंदर को और करके और टेप लगा सकते हैं, जिसे अच्छे से चिपकाना है आपकी सहमति के लिए। मैं अभी ऐसे ही कर रहा हूँ। सो गाइस, मैंने एक और टेप अटैच कर दिया इसके साथ। अब देखिए अब ये कैसे वर्क करता है। अब आ जाए और देखिए, अभी ये आसानी से थोड़ा खुलेगा नहीं। अब देखिए अभी ये खुला है। आप की गलती ये, आपको ये फाड़ना पड़ सकता है। आपको एकदम ठीक मेजरमेंट लेना कि ये इसके एकदम ठीक ऊपर आया है कि नहीं, इसलिए आपकी गलती आपको महंगी पड़ सकती है। इसलिए इस चीज़ का आप मेजरमेंट करके भी ले सकते हैं। और आप कुछ इस तरीके से, जैसे कि ये है, और आप ये यहाँ से उंगली ले गई, ये और ये यहाँ पर, और ये यहाँ पर आ गई। तो फिर आपने ये जगह लगा दिया। मेरा थोड़ा सा सेंटर में नहीं लग पाया, तो मुझे यहीं पर करना पड़ा। आप सेंटर में लगा लीजिएगा। तो फिर अब इसके डेकोरेशन की तरफ बढ़ते हैं। पहले बहुत दिन हो गए इसे छोड़े हुए, तो फिर थोड़े कॉर्नर्स इसके उखड़ गए हैं, तो फिर ये मैं पहले चिपका लेता हूँ। तो लेट्स डू डैट। तो गाइस, मैंने अब इसे चिपका लिया। अब इसकी डेकोरेशन की तरफ बढ़ते हैं। तो फिर मैं करने क्या वाला हूँ,
तो मैं करने क्या वाला, यहाँ पर मैं स्ट्रिप्स लगाऊंगा कुछ शीट्स की, यहाँ से यहाँ तक, फिर यहाँ से यहाँ तक मोती की थोड़ी स्ट्रिप, फिर यहाँ पर, फिर यहाँ पर आप एक मोती की स्ट्रिप लगा लीजिए या फिर फ्लावर लगा लीजिए। और इस साइड उतनी ज़रूरत नहीं है, ये और ये वाले पार्ट हम डेकोरेट करते हैं तो पहले स्ट्रिप्स लगाते हैं। तो फिर आप कलर तो कोई भी ले सकते हैं, मैंने ये कुछ स्ट्रिप्स लिए हैं, मतलब शीटें लिए हैं, एक रेड है, एक वाइट है और दो ग्रीन है। तो फिर करते हैं ग्रीन, अगर आपने ग्रीन मेरी तरफ पेंट किया हुआ है तो आप तो ग्रीन मत लीजिएगा, आप वाइट या फिर रेड या फिर आपके पास कोई और कलर हो तो आप जो वो यूज़ कर सकते हैं। मेरे पास कुछ येलो के कट पीसेस बचे हुए हैं, जिससे मैंने उस शू बॉक्स से वो बनाया था गोल्डन, तो फिर वो चाट के कुछ पीसेस बचे हैं, ये भी मैं यूज़ कर लूँगा इसमें। तो फिर इस पर पेस्ट करते हैं इस तरीके से, यहाँ से ऐसे ऐसे ऐसे। सो गाइस, अगर आपको जानना कि मैं कौन सा कलर यूज़ कर रहा हूँ, तो फिर मैं ये कर रहा हूँ एक साइड साइड में पहले रेड, फिर येलो, फिर अंदर एक फ्लावर और इधर थोड़े मोती यूज़ कर लूँगा बस। तो फिर गाइस कुछ इस तरीके से हमें मेजरमेंट ले लेनी है, 1 2 3 स्टेप्स में कम से कम एक सीट के हो जाएगा। तो फिर इन्हें कट करते हैं। सो गाइस, मैंने स्ट्रिप्स कट कर लिए हैं, अब इनके इसे इन कॉर्नर्स पे कुछ इस तरह मैं चारों तरफ पेस्ट कर देता हूँ। सो गाइस, मैंने अब ये पेस्ट कर दिया है। अब करना क्या है, अब यहाँ से यहाँ तक और यहाँ से यहाँ तक अब हम येलो से करेंगे। तो फिर लेट्स डू डेट, तो स्ट्रिप्स पहले काटते हैं। तो गाइस, मैंने अब ये 3 स्ट्रिप्स कट कर लिए हैं, जो मेरे को लगता है कि ये काफ़ी होंगी इसके लिए। तो फिर मैं चेक करता हूँ, पहले आप ऐसे ही चेक कर लीजिएगा कि ये सही आ भी रही है कि नहीं, तो अगर छोटी पड़ रही है तो आप इसमें थोड़ा सा और ऐड कर लीजिए, और अगर बड़ी पड़ रही है तो फिर थोड़ी सी कट कर लीजिए। तो फिर मैं अभी इसे मेजरमेंट अच्छे से करके चिपका लेता हूँ। सो गाइस, मैंने मेजरमेंट लिया है और इसे इस तरीके से कुछ पेस्ट कर दिया, अब इसे इस बॉक्स पर पेस्ट करना है। यहाँ पर ये जो है, इसे आप आउटलाइन, मैं इसे आउटलाइन कर लूँगा जिससे ये कुछ एक डिज़ाइन की तरह दिखेगा। ये ऊपर वाला मैं ढक दूँगा। तो ये भी करते हैं, अगर आपने पूरी तरीके से उकास लिया तो कोई बात नहीं, आप मोती लगा सकते हैं, लेकिन मेरे को ये हिंट मिल गया तो मैं इसे छोड़ूंगा नहीं। तो गाइस, मैं कुछ इस तरीके से इसे आउटलाइन ले रहा हूँ इस तरीके से कुछ, और यहाँ पर ये पूरे पर लाइन बना रहा हूँ। तो फिर मैंने इसे भालू को भी ऐसे कर दिया है, बनमानू जो भी है ये, और ये बॉडी जैसा भी कुछ था तो मैंने इसे भी कर दिया है। तो फिर गाइस, अभी ये तो यहाँ पर ये ऐसे सेट हो गया, तो फिर ये मैंने सीधी लाइन तो घींच दी, अब इसकी उल्टी लाइन भी घींच देता हूँ जिससे ये कुछ और ऑर्डिनरी लगे। या फिर गाइस ऐसा नहीं करते हैं, इसी तरीके से रहने देते हैं, बस मैं थोड़ी सी इसकी आउटलाइन मोटी कर देता हूँ। तो फिर गाइस, अभी ये हो गया, अब नेक्स्ट स्टेप ये है कि एक यहाँ पर फ्लावर लगेगा और एक यहाँ पर फ्लावर छोटा सा लगेगा, उसे आप किसी कलर का भी बना सकते हैं, मैं उसे वाइट कलर में बनाऊंगा। या फिर गाइस, मैंने ये सोचा कि इन्हें इन जगहों पर मोती लगा देते हैं, अब मेरे पास ज़्यादा सीटें भी नहीं और किसी और चीज़ में काम आ जाए, इसलिए मैं उन्हें बचा लेता हूँ, इसके बदले मैं मोती लगा देता हूँ। तो फिर गाइस लगाते हैं। सो गाइस, मैंने इस तरीके से लगा दिया, अभी यहाँ पर मैं एक बड़ा येलो कलर में फ्लावर लगाऊंगा, जिसके अंदर मैं छोटा सा रेड कलर का लगा के एक, या फिर मैं रेड कलर का बड़ा सा फ्लावर बनाऊंगा, उसके अंदर येलो, फिर एक रेड कलर की मोती। तो फिर यहाँ पर उसे लगाते हैं, फिर ये हो जाएगा ये वीडियो कंप्लीट, फिर आप भी कर सकते हैं। सो गाइस, मैंने इस तरीके का एक फूल कट किया है, जिसे मैं यहाँ पर लगाऊंगा। मैं काम करूँगा कि थोड़ा सा खुला खुला रहे, तो फिर यहाँ से मैं इसे कट करूँगा
और फिर इसे इसके ऊपर चढ़ाकर पेस्ट कर दूंगा। तो फिर ये भी करते हैं। सो गाइस, जैसे ये कॉर्नर था तो फिर ये जो है अब ये ऐसे है, तो फिर ये मैं इस पर ये चढ़ाऊंगा इस वाले को। इस पर देखिए, इस पर जैसे कि ये गम लगाया मैंने, तो गाइस अब मैंने ये जैसे ये गम लगा दिया और यहाँ से ये कट है। अब इसे यहाँ पर अगर मैं चढ़ा दूँगा तो फिर ये थोड़ा उठा उठा लगेगा, तो मैं करता हूँ ये भी। ये कैमरा पकड़ कर थोड़ा अच्छे से हाथ मूव नहीं हो पा रहा है। सो गाइस, मैंने अब इसे यहाँ पर ये जो था उसे मैंने इसके ऊपर लगा दिया है, मतलब ये वाले इसके ऊपर अब लगा लिया। तो फिर इसी की तरह एक रेड भी बना के छोटा सा इसके सेंटर में लगाऊंगा और एक येलो कलर का इसमें मोती लगा देंगे। सो गाइस, इस तरीके का मैंने कुछ फूल बनाया, इसे मैं इस तरीके से इसमें लगा दूंगा और येलो कलर के मोती इसमें लगा दूंगा। फिर एक फूल मैं हम इस जगह पर पेस्ट कर देंगे। सो गाइस, यहाँ पर हमने गम लगा दिया, अब इसे यहाँ पर चिपका देते हैं। सो गाइस, मैंने इस तरीके से ये लगा दिया है, अब इसके बीच में हम मोती लगाते हैं। सो गाइस, मैंने अभी इसे ऐसे लगा लिया, तो फिर आप गाइस इसे यहाँ पर ऐसे चिपकाते हैं। आप इस मोती की जगह कोई और कलर का भी मोती लगा सकते हैं, सिल्वर का भी लगा सकते हैं, और ज़्यादा बेटर रहेगा। मैंने इस येलो से मैच की वजह से मैंने येलो लगा दिया है। आप रेड मत लगाइएगा अगर आपने ये अंदर वाला रेड बनाया है तो। आप इसे फिर अगर आपने ये वाला अंदर रेड बनाया तो आप इधर रेड मत रखिएगा। अगर बाहर रेड बनाया और अंदर येलो रखा है तब यहाँ पर आप रेड रख सकते हैं। तो गाइस, इसे यहाँ पर ऐसे चिपकाते हैं। ये नीचे रखाएगा तो फिर थोड़ा वो दबेगा, थोड़ा ऊपर करके यहाँ में चिपकाना पड़ेगा। सो गाइस, मैं इसे दबा कर ऐसे कुछ रखा हूँ, ये थोड़ा नीचे ना टच हुए तो मैंने इस तरीके से रखा है। ये ऊपर को आप निकाल दीजिएगा, अगर आपने छोटा बनाया तो बेटर है, वरना तो आप नीचे मत टच कीजिएगा, क्योंकि आप ऐसे ज़्यादातर रखेंगे तो नीचे वाला फूल वो बिगड़ सकता है, डिस्ट्रॉय हो सकता है। तो फिर उसके लिए आप थोड़ी देर के बाद मिलते हैं। सो गाइस, अब ये चिपक गया है। तो फिर थैंक यू फॉर वॉचिंग, प्लीज़ सब्सक्राइब टू माई चैनल एंड प्रेस द बेल आइकन फॉर माई न्यू वीडियोस नोटिफिकेशन। सो गाइस, अब दूसरी वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए बाय। थैंक यू फॉर वॉचिंग। थैंक्स।